दोपहर हो चुके हैं, 4 बज चुके हैं और आज आए हुए हमारे घर पे गेस्ट। और जब गेस्ट आते हैं घर में तो चाय तो बनती है, बिना चाय के गेस्ट के लिए, बिना चाय के गेस्ट की वेलकम पॉसिबल नहीं होती है, तो चाय बहुत जरूरी है। 4 बजे तो मम्मी के लिए भी चाय हो रही है और जो गेस्ट आए हैं हमारे घर पे उनके लिए, इसलिए आप लोग भी हमारी फैमिली हो तो आप लोगों का भी मिलना जरूरी है कि हमारे घर पे कौन तो आए। ये रेडी हो चुकी है चाय, पकड़ाने जा रही सबको चाय भी। नमस्ते, जय माँ गणेश, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल निकिता राजावत पे। आई होप आप सभी फिट एंड हेल्दी होंगे। आप सभी मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। एग्जामिनेशन चल रहे हैं, मैंने गणगौर पूजा कर ली और आज सुबह से ही बरसात चल रही है। सुबह से देखो, मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसा मौसम हो रहा है, ऐसा मौसम हो रहा है, इतनी ठंडी हवा चल रही है। मैंने कहा यार ये ठंड पूरे साल ही रहे, इतना अच्छा लगे ना, तो ये ना तो ये कूलर चलाना पड़े ना, गर्मी उमस परेशान रहती, इस मौसम में तो बरसात देखो कितनी अच्छी लगती है, कितने सुहाने हो गए मेरे पेड़ पौधे, जो कितने सुंदर लग रहे हैं, अलग ही निखर जाता है, निखार जाता है। और देखो कितने प्यारे फ्लावर आ रहे हैं, रेड कलर के, पिंक कलर है सॉरी, वो तो गणगौर माता के चढ़ाने में भी इतना अच्छा रहता है मेरे ये। और दूसरी बात, बरसात में सारे पेड़ पौधों की धूल उतर जाती है तो इतना अच्छा लगता है, एकदम क्लीन 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 खुशबूदार। मैं लगी हूँ तो उसके लिए लगाई है मैंने मेहंदी। कोई भी तीज त्यौहार फेस्टिवल या प्रोग्राम हो, बिना मेहंदी के है अधूरा। मिलते हैं रेडी होने के बाद में, तो आप देख सकते हैं मैं रेडी हो चुकी हूँ वेट, वो इवेंट गणगौर इवेंट में जाने के लिए मैं रेडी हो चुकी हूँ। ये वाली पोशाक आपने ज़रूर देखी होगी मेरे पोशाक, वेडिंग पोशाक कलेक्शन में, ये कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो अब हम जा रहे हैं, 2 बजे तक का था तो अब हम 2 बजने भी वाली है और मैं निकल रही हूँ घर, तो मैं हो रही हूँ रवाना। इतने बेसब्री से इंतज़ार करने के बाद आखिर में वो घड़ी आ ही गई, इससे हमें जाना है। और हर्षो को हम नहीं लेके जाएंगे क्योंकि और लेडीज़ का ही है। तो आप कमेंट करके बताना कि हम दोनों कैसे लग रहे हैं। रखा है और आपको बताने का
ये गेम चल रहा है यहाँ पे सबका, कपल कपल खेल रहे सारे। मेरा पर्स, मरीना भाई साहब के पास मेरा पर्स है, वो भी ला दो ना, मेरा वाला ब्राउन पर्स। आप मेरी फ्रेंड मीनू को तो जानते ही हैं, आज इस इवेंट में मेरी एक फ्रेंड और बनी है जो कि है वर्षा गहलोत। और हमने हमने खूब सारी यहाँ पे बातें की, गपशप किया, खूब इंजॉय किया। ये है इंस्टा स्टार, बहुत सारे वीडियोस बनाए, बहुत सारा डांस किया, बहुत सारा इंजॉय किया, वो सारी शेयर करूँगी मैं, ये सब स्टोरीज शेयर करूँगी आपसे इंस्टा पर भी और यूट्यूब चैनल पर भी। तो आप प्लीज़ देखिएगा हमारी स्टोरी, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। है ना क्यूट फ्रेंड, ये तो मेरी ऑलवेज भी बेस्ट है ना। आगे भी है आज का इवेंट था फुल टू इंजॉय, हम सभी खूब इंजॉय किया और आज का ब्लॉग यही ख़त्म करती हूँ। सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा, सब लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। वैसा की मनुआ नहीं खराब नहीं थी, हमारा एक आज का इवेंट रहा फुल मजेदार, इवेंट को जरूर याद करना। क्या बोलने लगी, हम रवाना हो चुके घर की तरफ और काफ़ी थक भी गए, अब शाम हो गई है। हमारे साथ हमारे फ्रेंड भी है जो कि बैठे हैं, उनको भी छोड़ना है, मेरी फ्रेंड मीनू है, अब घर पे जो वेट कर रहे हैं, जल्दी जाना है।